लो और बस कर, कितना खाएगा, छोड़ दे उसको। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल्स। और सो यार, कैसे हो आप लोग? यार मेरा तो बस बढ़िया चल रहा है। और यार आज हम लोग जा रहे हैं एक जियो का फ़ोन लेने, क्योंकि यार मेरे चाचा का जो फ़ोन था ना, वो फ़ोन टूट कर ख़राब हो गया। तो इसलिए एक अंकल के लिए फ़ोन लेना है, जियो का फ़ोन लेना है, तो वही हम लोग जा रहे हैं। और यार उसके अलावा और भी मुझे आज बहुत सारे काम है। जियो का फ़ोन लेना है, फिर बड़ौदा बैंक जाना है, और उसके बाद बिग बाज़ार भी जाना है, और यहाँ से मुझे कुछ बिग बाज़ार से कुछ लेना है। तो यार वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। और यार अभी मैं अभी जा रहा हूँ राहुल के घर, और देखता हूँ अभी कब का उसने फ़ोन किया था, अभी तक नहीं आया बंदा, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है उसके घर पर। वो रहे खा रहे हैं, पता नहीं कब से खा रहे हैं, खाते खाते सो भी गया होगा। पता है दोस्तों में बहुत ही एक खास बात होती है कि साले वो कभी टाइम से नहीं आते हैं। राहुल भैया, और मैंने बोला था ना कि यार खाना खा रहा होगा, सच में अभी तक खाना ही खा रहा है, एक घंटा से मुझे पका रहा है, और अभी भी ठूसी रहा है। जल्दी कर, ठीक है, बहुत सारा काम है आज। हाँ जल्दी उड़िए ना, उड़वा जल्दी जा। और इतना लेट करने के बाद पता है क्या हुआ? पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो थे पर राहुल के पास नहीं थे, तो फिर जाना पड़ा एटीएम, और एटीएम से निकाले वहाँ पर, और उसके साथ साथ उसके पापा भी मिल गए, वो रहे कि मेरा भी बैलेंस चेक कर दे, तो उनका भी करना पड़ा। तो अभी एटीएम से कुछ मुझे पैसे निकालने हैं, तो बस एटीएम में आया हूँ। और यार अभी लाइन लगी हुई है, राहुल अंदर गया है, उसके पापा हैं, और मैं भी अभी जा रहा हूँ, मुझे भी निकालने हैं कुछ पैसे, तो मैं अभी निकाल के और फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग गए डायरेक्ट ऐसी दुकान में जहाँ पर हमारी थोड़ी सी पहचान थी, तो वहाँ पर हम लोग गए। और इसलिए मैं हम लोग उस दुकान पर गए क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा नोकिया का बहुत ही पुराना मॉडल था, और उसको एक्सचेंज कराना था, और वो काफ़ी दिनों से मतलब कि बंद पड़ा ही था, तो खुल नहीं रहा था, तो इसलिए मैं वहाँ पे गया, क्योंकि पहले मैं एक बार गया था जियो स्टोर में, और वहाँ पे ये लोचा हुआ था ना, तो वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे चलता हुआ फ़ोन ले रहा था, और ये जो मेरे पास छोटा वाला फ़ोन था नोकिया का, ये चल नहीं रहा था, इसलिए मैं इस दुकान पर आया। और यहाँ सो गाइस, अभी हम लोग इसी दुकान पे आए हैं, और यार यहाँ पे इसलिए हम लोग आए हैं क्योंकि यार ये दुकान जानी पहचानी है, और बहुत यहाँ पे यार हम लोग को मोबाइल एक्सेसरी बहुत चीप रेट में मिल जाती है, क्योंकि यार जानी पहचान दुकान है, इसलिए आए हैं। और मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन है नोकिया का, उसको एक्सचेंज करा के और वो वाला फ़ोन लेना है मेरे को, जियो वाला, तो यहाँ पे आए हैं, और उसके बदले मुझे 1100 यानी कि 1099 देना पड़ता है, 1099, तो उसको पे करेंगे और फिर वहाँ से लेते हैं। सो गाइस, ये रहा जियो फ़ोन, और मिल गया है, और बस यहाँ से मतलब निकल ही रहे हैं, और फ़ोन पूरा चालू हो गया, कंडीशन में है और चल रहा है। अब यहाँ से हमें बिग बाज़ार जाना है, और मस्त ले जा, अच्छे हैं। और ये राहुल बकवा कर रहा है, पूछ लो कहाँ बकना है, और दुकान भाई डीलिंग। अब यहाँ से फ़ोन लेने के बाद हम लोग डायरेक्ट गए बिग बाज़ार। और यार वहाँ पर ना बहुत काफ़ी अच्छे अच्छे मुझे कुछ पोज मिले, कुछ वीडियो शूट हुआ, और यार मेरे फ़ोन का स्लो मोशन तो पूछो ही मत, गजब हुआ था। चलो दिखाता हूँ, देख लो।
और इतना करने के बाद जैसे ही एंट्री मिली बिग बाजार में, तो यार गेट पे जैसे खड़े थे हम लोग, वैसे जो मैम खड़ी थी वो बोल रही है कि सॉरी कैमरा नॉट अलाउड, उनको जेब में रखना पड़ा। और फिर काफ़ी कुछ करने के बाद हम लोग बिग बाज़ार में एंट्री मिली, वीडियो शूट हुआ, रिकॉर्डिंग हुआ, और फिर हम लोग वहाँ से निकले और एक छोटा सा चॉकलेट लेकर और भी कुछ था लेने को, जो कि मैंने दिखाया। और मेनली यार मैंने घर पे एक डॉग रखा है तो उसके लिए पेडिग्री लेना था, तो मेरे पास कुछ कैश नहीं था, नहीं तो बाहर से भी मिलता है, और मेरे पास पेटीएम था, और पेटीएम जिस दुकान से मैं जाता था उसके लिए पेडिग्री लेने वहाँ पे सिर्फ कैश लेता था, इसलिए मैंने वहाँ पे गया। और भी तो यार काफ़ी खर्चे हो गए, और मैंने ये कुछ लिया था और कुछ डीओ के बारे में सोच रहे हैं, कुछ डीओ ले लो, वैसे मेरा फोन ख़त्म हो गया है तो फोन लेने की सोच रहे हैं। और आल तुझे भी कुछ लेना है क्या? ले गए यहाँ पर मैं, इसलिए मुझे बिग बाज़ार जाना पड़ा, वरना बिग बाज़ार में कुछ आता नहीं हो यार। अच्छा है बिग बाज़ार, जाके घूमो फिरो यार, मौज मस्ती होती है, मौज मस्ती घंटा मौज मस्ती होती है, कुछ नहीं होता है। तो यार काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी थी तो सोचे कि यार सामने बिरयानी की दुकान थी तो वही बस टूट पड़े। और यार हम लोग नॉनवेज नहीं है, हम लोग वेजिटेरियन है, तो इसलिए हम लोग आलू बिरयानी खा रहे हैं, क्योंकि यार हमें अच्छा नहीं लगता है कि जानवर को हलाल करके खाना, इसलिए आलू बिरयानी खाओ, बिरयानी भी हो जाएगा और वेजिटेरियन भी रह जाओगे, इसलिए हम लोग आलू बिरयानी खा रहे हैं। तो यार बिरयानी खा रहे मज़ा आ गया, और यार पेट पूरा भर चुका है, और यार पूछो बहुत काफ़ी तेज की भूख लगी थी इसलिए हम लोग बिरयानी खाए, बिरयानी मस्त थी यार, और उसके बाद भी भूख लगी थी यार। चलो अब जा रहे हैं घर यहाँ से, और फिर आया सबसे लास्ट पॉइंट, चॉकलेट खाने की बारी। हम लोग बिरयानी खाए, वहाँ से निकले और आए अब चॉकलेट खाने की बारी। तो देखो सर जी क्या कर रहे हैं, चॉकलेट ऐसे हाथों में दे रहा था मेरे को, सोचो देख लो। ए भाई जल्दी घर चलना। सो यार चलो टाटा बाय बाय, और यार जल्दी घर चलना, चलना लेट हो भाई, घर ही जा रहे हैं, वीडियो एंडिंग कर ले उसके बाद घर ही जा रहे हैं, ठीक है। और चॉकलेट और खिलाया, पॉकेट में रख लिया चॉकलेट, खाएगा जल्दी जल्दी जल्दी, कुछ मीठा हो जाए। बिग बाजार से हम लोग एक चॉकलेट लिए थे 10 रुपए का, और बहुत कुछ और भी था जो कि मैंने दिखाया ही चॉकलेट। अबे मेरे को दे, वाओ, अरे इससे फेंक रहा है, उठा उसको, उठा ले हाथ में, अजीब आइडिया से खिला रहा है डेरी में। बहुत टेस्ट ले रहे हैं,
सो यार और इस वीडियो में इतना ही था। और यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके जाना, कमेंट कर देना। और यार अगर आप लोगों को ब्लॉगिंग अच्छी लगती है तो मेरे चैनल पे जाओ, चेकआउट मारो, बहुत सारी ब्लॉगिंग वीडियो आपको मिल जाएगी। और यार नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेगी आप लोगों को, और भी बहुत सारी मैंने फोटो एडिटिंग की वीडियो डाल रखी है चैनल पे। अगर इंटरेस्टेड हो यार फोटो एडिटिंग में तो जाओ यार, उसकी भी वीडियो बहुत सारी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। लेटेस्ट में ही मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी फोटो डाले है यार, वो भी जाके देख लो। और बस कर, कितना खाएगा, छोड़ दे उसको।